हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज है वैक्सीनेशन डे किट्टू का, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग वहीं निकल पड़े हैं। और आई होप मतलब आप समझ सकते हो कि एक माँ की कंडीश्न इस दिन की। आई एम श्योर जो भी न्यू मॉम्स होंगे और मॉम्स होंगे, उनको जब बच्चे को वैक्सीन लगता है तो कैसा लगता है वो कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल फाइनली। और यहाँ पे किट्टू मैडम ने जो है वो आते ही अपने फ्रेंड बना लिए हैं। वो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो खेल रही है। और फाइनली ये टाइम आ जाता है वैक्सीन लगने का किट्टू का। तो थोड़ा सा रोई थी वो, मतलब फ़र्स्ट टाइम तो नहीं रोई थी, 3 इंजेक्शन लगे थे उसको, फर्स्ट में नहीं रोई थी, पर 2 में वो रोने लग गई थी। और फिर उसके बाद मैंने उसको फीड करवा दिया था, चुप हो गई थी थोड़ी देर में ही। बट यस, थोड़ी सी अपसेट लग रही है मम्मा से, वो यहाँ पे बैठी हुई है। और बेचारी के बाल वाल सब ऐसे ही हो रखे थे, बिकॉज मैं उसको ऐसे ही उठा के ले आई थी मॉर्निंग में। वहाँ पे नंबर वगैरह लगता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे हम लोग लगवाने के बाद वापस घर जा रहे हैं। गाइस, जैसा कि आपने देखा कि आज था वैक्सीन डे, तो किट्टू को वैक्सीन लगा था। तो आज मैं जो है वो रैंडम व्लॉगिंग कर रही हूँ ऐसे ही जस्ट। तो अभी जो है मैं और किट्टू है नानी के घर पे, मतलब मेरी मम्मा के घर पे और किट्टू की नानी के घर पे। तो सिंस वैक्सीनेशन भी लगना था और अभी आने वाला है करवा चौथ, तो अभी किट्टू बहुत छोटी है तो उसके साथ में मैं कुछ भी सारा कुछ कर नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैं मम्मा के पास आ गई थी, उसको वैक्सीन भी लगना था प्लस करवा चौथ भी है, तो इसीलिए। तो क्या क्या उसकी प्रिपरेशन है, एवरीथिंग जो भी होगा वो मैं आपको इस वीडियो में कैप्चर करूंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैडम जी जो है वो यहाँ पे लटक रही है। हाँ जी, हाँ जी, किचू 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 किचू, आजा मम्मा के पास, आजा मम्मा के पास। किचू, आप मम्मा से गुस्सा हो क्या? आप मम्मा से गुस्सा हो आज? आज किचू को इंजेक्शन लग गई, वो भी 3-3। सो आज किट्टू जो है वो, किट्टू को जो है वो 3 इंजेक्शन लगे हैं। 9 मंथ्स में जो लगते हैं बेबीज को, वो वाले वैक्सीनेशन लगा है उसको। तो मैडम को तभी उसी टाइम पे थोड़ा सा रोई थी और उसके बाद तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना खेल रही है आराम से मस्त अपना। सो यस, और आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या होगा वो पूरे दिन में, मैं क्या क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ करवा चौथ की, वो सारा कुछ इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। और यस, हमारी किट्टू को तो हम कैप्चर करेंगे ही, जो कि मम्मा को बहुत ध्यान से देख रहे। किट्टू किट्टू, और आपको वैक्सीन लग गई, आप गुस्सा हो मम्मा से, बट बेटा वो भी जरूरी है ना। तो मैडम को आजकल बहुत ज्यादा ऐसे फर्श पे उसको घूमने में बहुत अच्छा लगता है, आजकल नीचे ही रहना पसंद करती है, वो फ्लोर पे मस्त खेलती रहती है अपने। किट्टू तो आजकल मैडम जो है वो ऐसे बैट पकड़ के या टेबल पकड़ के धीरे धीरे ना ऐसे चलने लग गई है, वो भी उसका एक माइलस्टोन है आजकल। सो सिंस अभी किट्टू जो है वो 9 मंथ्स की हो गई है, तो उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ी सी बड़ी है, मतलब उसके माइलस्टोन जो है वो अचीव कर रही है वो धीरे धीरे। ऑल दो उसके टीथ अभी नहीं आए हैं, सो टीथिंग उसको हो रही है बट अभी हुए नहीं है। तो यहाँ पे खेलने के बाद जो है वो आराम से अपना सुकून से सो रही है नींद, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग उठी हुई थी तो फिर वो सो गई थी आराम से यहाँ पर। और उसके बाद ये मेरी कज़न है जो घर पर आई हुई थी और वो किट्टू के साथ खेल रही है। बुला लो किट्टू, बुलाओ इसको, बुलाओ। हाँ, अभी आगे स्विम स्विम करके आ रही है, आ रही है। किट्टू के पास जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। और टमी खा आ रही है। चंपा आ जाना, आओ किट्टू के पास आओ। सो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। सिंस हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल चले गए थे बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऑल दो अपॉइंटमेंट ले रखी थी बट फिर भी थोड़ा सा ना, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो है वो नंबर लगते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद अभी मैं नहा चुकी हूँ और किट्टू को भी हमने फ्रेशन अप करा दिया है, कपड़े चेंज करा दिए हैं मैडम के। आप ऐसे देखोगे मम्मा को?
सो यस, अभी तो किट्टू को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज वो बहुत क्रैंकी हो रही थी सिंस आज उसको वैक्सीन लगाए, तो थोड़े टेंट्रम्स तो बनते ही है उसके। सो यस मैडम जी, यस, ये दिखा स्माइल, दिखा स्माइल, स्माइल, ये स्माइल कीजिए, ये क्या हो रहा है, टंग निकाल रही हो? नो, मम्मा को टंग नहीं दिखाना। ओल्यू ओल्यू ओल्यू, आ जा आ जा आ जा आ जा। सो मैडम का मूड जो है वो खराब हो जाता है ऐसे ही बीच बीच में, और अभी खेल रही है, हंस रही है। ये देखो अब मैडम का मूड ठीक है, बीच बीच में खराब हो जाता है। हाँ बीच बीच में मूड खराब हो जाता है आपका। ये टॉय कौन लाया मामू? ये मामू लाया लकड़ी का टॉय। किट्टू वेर इज योर चंपा, वेर इज योर चंपा, ये रही चंपा। आपने खूब गुस्सा निकाला ना आज इस पे, अपने वैक्सीन का खूब सारा गुस्सा निकाल दिया चंपा पर। हाँ, सो ये जो टॉय है जो किट्टू अपने मुंह में दे रही है और जिससे वो खेल रही है, वो प्रॉपर स्टील और लकड़ी का है, तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छे से खेल सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको बहुत आजकल ऐसे खड़े होने का शौक है, और वो टेबल पकड़ पकड़ के, सोफ़ा पकड़ पकड़ के ऐसे चलने लग गई है। तो ये भी उसका एक माइलस्टोन है जो उसने अचीव किया अभी 9 मंथ्स में। और ऑल्दो वो थोड़ा सा हाथ हाथ छोड़ के भी खड़ा हो जाती है, बट ये ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाती है, बट ऐसे पकड़ के वो खड़ी रहती है और चलती भी रहती है। और एक चीज़ है कि किट्टू जब भी ऐसे अपना कान खुजाती है ना, तो मतलब उसको नींद आ रही है, तो जब भी उसको नींद आ रही होती है वो ऐसे ही अपना कान खुजाने लगती है, तो हरे मुझे पता लग कृष्णा जाता है। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे मस्ती मस्ती खो लड़की, मस्ती खो लड़की, ये मस्ती खो रहे क्या जी? किट्टू मैडम जो है वो सो चुकी है, तो ये उसका डेली रूटीन है, मतलब दोपहर को वो सो जाती है, तो अराउंड 3 o'clock। सो अभी बज रहे हैं 3:30, तो उसको हाफ एन आवर हो गया है सोते हुए। मैं सोच रही हूँ कि मैं जब तक वो सो रही है तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली शाम को मिलूंगी। शाम को मुझे जाना है मार्केट, थोड़ी सी करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह करनी है, तो वही मैं करूँगी और तभी मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आगे देखिए क्या क्या होता है, और आप भी रेस्ट करिए। मिलते हैं शाम को। सो हेलो एवरीवन, मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैडम जो है वो अभी भी सो रही है, और किस तरह से सो रही है मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आजकल उसका सोने का स्टाइल ही चेंज हो गया। मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि वो सो रही है और उठ सकती है। ये सो रहा है मेरा बच्चा। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार किट्टू उठ जाएगी तो फिर उसको फीड करा के, और उसके बाद फिर मम्मा देख लेंगी उसको, फिर मैं मार्केट जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, जो भी करवा चौथ का सामान लेना है पूजा का, तो वो सारा सामान मैं लेने जाऊँगी। तो अभी फिलहाल मैडम पहले उठ जाए, उसके बाद जाएंगे, बिकॉज़ फिर वो उठेगी और मुझे नहीं देखेगी ना, तो फिर एकदम से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगी एंड रोने लगेगी, तो इसलिए आई डोंट वॉन्ट दैट। तो पहले मैं उसको उठा दूँ, मतलब वो उठ जाए खुद से, और फिर मुझे देख ले, मैं फीड करवा दूँ, और उसके बाद फिर मैं मार्केट जाऊंगी एंड तभी मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
मतलब ऐसे हंसते हुए उठती है ना। मैडम जी जो है वो उठ चुकी है, उठ चुका है मैडम, मैडम उठ चुकी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। सो यहाँ पे किट्टू को जो है वो फीड करवा दिया है मैंने, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मैं कोई कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ, बिकॉज वो घर के पास में ऐसे लोकल मार्केट है, तो वहीं से सामान लेना है, तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, ऐसे टी शर्ट वगैरह ऐसे पहन के जा रही हूँ। तो सिंस थोड़ा जल्दी भी आना पड़ेगा, बिकॉज किट्टू का कोई भरोसा नहीं है कब क्रैंकी हो जाए, तो अभी तो देखते हैं मैडम क्या कर रही है। चलो ठीक है, बाय बाय। हम जा रहे हैं आजकल 6 बजे भी ना कितना अंधेरा हो जाता है यार, मतलब अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। तो ये हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं जिस सेक्टर में, तो ये वहाँ का मंदिर है जो इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था फेस्टिव टाइम पे, तो एक अलग ही ना फेस्टिव टाइम पे एक अलग ही पॉजिटिव सी वाइब होती है हर जगह पे, और फिर मंदिर की तो बात ही अलग है, जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर मैं आ गई थी मार्केट, तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसे चूड़ियाँ और वो जो करवा चौथ का सामान होता है चलनी वगैरह, ये सब कुछ ऐसे डेकोरेटिव वे में वहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने भी परचेज़ किया था चूड़ी वगैरह, जो भी सामान होता है सुहाग वाला, तो वो सारा बिंदी और ये सभी मैं अभी परचेज़ कर रही थी यहाँ पे। मार्केट में ना ऐसे बहुत भीड़ हो रखी थी, बिकॉज़ वहाँ पे मेहंदी वगैरह जो भी लेडीज़ वगैरह है तो मेहंदी लगवा रहे थे, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और पूरा सेक्टर 8 का जो मार्केट है मतलब वहाँ पे पूरा भरा रहता है ऐसे लाइन वाइज लाइन, वहाँ पे मेहंदी वाले लगे रहते हैं। मैंने नहीं लगवाई थी आज, क्योंकि मैं कल लगवाऊँगी, और मैं एक ही हाथ पर लगवाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगवाऊँगी, दूसरे हाथ में मैं खुद भी लगा लेती हूँ, तो वहाँ मैं खुद से लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जो है वो करवा वगैरह जो भी करवा चौथ का पूजा का सामान है, तो वो मैं यहाँ परचेज़ कर रही थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद शॉपिंग के बाद मैंने थोड़े से मोमोज खाए, तो यहाँ पे सेक्टर 8 में ना पीछे मार्केट वाले भैया हैं, तो वो बहुत अच्छे मोमोज बनाते हैं। सो यहाँ पे शॉपिंग करके हम लोग घर आ चुके हैं, और हमारी किट्टू रानी देखते क्या कर रही है। किट्टू, किट्टू, मम्मा, मैडम अपने आप में बिजी है, उनको कोई मतलब नहीं है, यहाँ दीवार नहीं निकलेगी, दीवार कर किट्टू, मम्मा का बेटा, ये टंकी निकाल रही हो आप, टंकी निकाल रही हो ना। सो मैडम तो आजकल यहाँ पे खेलने में ही बिजी रहती है, उसको बस हर टाइम खेलना होता है, तो एक्सप्लोर करती है वो चीज़ें फर्स्ट पे बेसिकली। तो यहाँ पे मम्मा हंस रही थी कि मुझे वीडियो में तुम ले रही हो ग्लास में चाय पीते हुए, बिकॉज़ मम्मा हमेशा स्टील के ग्लास में ही चाय पीती है। और यहाँ पे पापा जो है वो किट्टू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़ी हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खड़ी हो जाती है, तो प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट वाला सिचुएशन है यहाँ पे, तो उसको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और मैडम इतने रफ्तार में आजकल भागती है ना, मतलब शेफ बनोगी क्या किट्टू, शेफ बनोगी आप? नानी और किट्टू दोनों ने पिंक पिंक पहन रखा है। किट्टू इधर आओ, इधर।
क्या मिल रहा है तुमको किचन में, क्या मिलता है किचन में? सो किटू आजकल ना सीधा किचन में भागती है, मतलब क्योंकि वहाँ पे मम्मा काम कर रही होती है, यानी कि किटू की नानी, तो वो नानी से बहुत कनेक्टेड फील करती है, तो जब भी मम्मा किचन में काम कर रही होंगी तो वो फटाक से किचन में ही भागती है। मैम, तो किटू आजकल मम्मा मम्मा बोलने लग गई है, मम्मा बोलती है किटू, मम्मा बोलती है, मम्मा कैसे बोलती है मम्मा मम्मा। जैसा कि आपने देखा कि किट्टू की नॉन स्टॉप मस्ती चलती रहती है नानू नानी के साथ, और आजकल उसका नया स्टार्ट हुआ है ऊपर ऐसे उछलना म्यूजिक के साथ या फिर ऐसे रिस्पॉन्ड करना और मस्ती करना। बहुत शैतान हो गई हो तुम किट्टू, हैं? क्या कर रही हो ये? नो 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 किट्टू क्या हो रही है, क्या हो रही है? क्या लगती है फिर की बात दिखा रही हो तुम, सबको दिखा रही हो कि मैं ऐसे कूद भी लेती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड करूँगी, और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, अभी वीडियोस बैक टू बैक आने वाली है, तो आज का जो व्लॉग है वो मैं इसको यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज अभी ऐसा कुछ खास है नहीं, अगर होगा तो आई विल शो यू, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मोर वीडियोस के लिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, या प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर।